आपके साथ में हूं प्रवीण। आम आदमी पार्टी विधायक विनय मिश्रा के स्वागत में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई, लेकिन इस बीच पूर्व सांसद महाबल मिश्रा ने लोगों को अपने कार्यकाल की कौन सी बात याद दिलाई, किस तरह के विकास पर चर्चा हुई, ये समझने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। इसमें दो राय नहीं है कि जब कॉलोनी में कभी कभी मौका मिलता है सैर करने का या कहीं जाने का, तो आप सबका भरपूर आशीर्वाद मिलता है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। वैशाली, दशरथपुरी और डाबड़ी के आसपास के लोगों ने विधायक विनय मिश्रा के सम्मान में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया जिसमें क्षेत्र के विकास पर भी चर्चा हुई। इस आयोजन में क्षेत्रवासियों के बीच पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा, विधायक विनय मिश्रा, विश्व भोजपुरी सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दुबे व तमाम आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक विनय मिश्रा ने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि उनका पालन पोषण इसी क्षेत्र में हुआ है, इसलिए क्षेत्र की समस्याओं को वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, मैंने जहाँ तक चर्चा की बात हुई है तो आज वैशाली में लॉकडाउन की वजह से अभिनंदन नहीं हो पाया था, तो ये तो उन्होंने, और दूसरा मैं इस कॉलोनी में रहता हूँ तो यहाँ का निवासी होने के नाते मेरे को समय समय कमियाँ पता चलती रहती है उसमें भी, और करवा भी रहा हूँ मैं, तो आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी हमारे को काम बताए वो करते रहें। इस सम्मान कार्यक्रम के साथ कुछ चर्चाएँ भी हुई विकास के मुद्दों पर, क्या कुछ समस्याएँ इन लोगों ने आपको बताई हैं जिसको आप अमल में लेंगे? 4 और 5 नंबर गली में सीवर पड़ गया तो वहाँ ड्रेसिंग मैंने करवा दी है, फिर कुछ टेल एंड जहाँ पानी नहीं पहुंच पा रहा उसके लिए भी मैं कार्यरत हूं, फिर हमारी कॉलोनी में इनका कहना है कि हमारे को एंट्री गेट्स जो लगता है वो लगवा दीजिए, उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूं, और भी बहुत सारे काम है, सीवर डलना है इस कॉलोनी में, रोड बनना है, तो सारे विकास के कार्य करने अभी तो करना है इस कॉलोनी का। पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए लोगों को उनके कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की याद दिलाई। साथ ही मैं अपने विकास के बारे में कुछ चीजें कहना चाहूंगा, वो सब जानते हैं 97 से, जब वैशाली कॉलोनी 97 में पैसा कलेक्शन करके और पानी कनेक्शन के लिए अलग से लाइन डाबड़ी मोड़ से जोड़वाने वाला था तो महाबले मिश्रा था, लेकिन पक्का पानी भी दिया तो महाबले मिश्रा था। देखिए, एमएलए साहब यहाँ इस परिवार के सदस्य हैं, वैशाली परिवार के सदस्य हैं, जो भी विकास की चर्चाएं यहाँ के लोग किए हैं तो वो सारे विकास करेंगे और सक्षम है विनय जी। इस कार्यक्रम के दौरान कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 60 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों के रजिस्ट्रेशन भी हुए। मौके पर अजीत दुबे ने कहा कि विनय मिश्रा में अपने पिता के गुण हैं और आने वाले समय में ये एक सफल नेता के तौर पर उभरेंगे। देखिए, ये एक बहुत सुंदर शुरुआत है, विकास तो होना ही है। ये जो नौजवान विधायक है इसके साथ अनुभव बहुत बड़ा है, और वो अनुभव इसका अपना नहीं, महाबल मिश्रा का अनुभव है। महाबल जी को पता है इस क्षेत्र में क्या क्या काम वो करवा पाए और क्या करवाने के प्रोसेस में थे। मुझे पूरा विश्वास है कि महाबल मिश्र के डायरेक्शन में विनय पूर्ण रूप से सफल होगा उन रुके हुए कार्यों को करवाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा विधायक जी का, जिनके माध्यम से अथक प्रयासों से यहाँ पे विकास कार्य किए जा रहे हैं, और तमाम जगह सीवर की लाइन, पानी की लाइन डाली जा रही है सरकारी, दिल्ली जल बोर्ड की, तो सभी कॉलोनी वासी यहाँ पे एकत्रित हुए थे धन्यवाद करने के लिए। और विधायक जी जब से चुनाव जीते हैं उसके बाद कोविड हो गया था, जब सभी को मालूम है, तो धन्यवाद समारोह नहीं हो पाया था कॉलोनी वासी द्वारा, तो आज सभी ने मिलकर धन्यवाद समारोह किया। उसके अलावा जो ये स्वागत समारोह भी किया गया उनका, तो सभी कॉलोनी वासियों ने बहुत बहुत धन्यवाद किया विधायक जी का कि उनके जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, और मेरा यहीं पे मेरा भी कारोबार है, नज़दीक ही है मेरा कारोबार, तो मैं देखता रहता हूं कि जिस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं, तो कॉलोनी वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित किया, और विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कार्यक्रम में मौजूद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और RWS से जुड़े लोगों ने क्या कहा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डाबड़ी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल, आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए आपको कुछ लोगों से सुनवाते हैं कि विधायक विनय मिश्रा के स्वागत समारोह में उन्होंने क्या कहा।
वैशाली के क्षेत्रवासियों ने कुछ अपनी समस्याएं भी सामने रखी और विनय मिश्रा ने क्षेत्रवासियों को आश्वासन दिया कि कोरोना काल में रुके हुए कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। हमारा ये प्रोग्राम जो था, ये हमारे विधायक जी जीत के आए थे तो इनका स्वागत कोविड के 19 के चक्कर में नहीं हुआ था, तो हमारा मेन उद्देश्य था इनका स्वागत करना और कुछ हमारी कॉलोनी के विकास कार्य जो रुके हुए थे उसके बारे में अवगत कराना था। विधायक जी बने थे, कोरोना की कॉल जो कोविड-19 बीमारी आ गई थी उससे हम इनका स्वागत नहीं कर पाए थे अपने विधायक जी का। स्वागत का तो है ही, चर्चा भी हुई है ना, चर्चा इसलिए हुई है कि भी टाइम है, पूरी कॉलोनी निवासी अपने सारे भाई बैठे हुए हैं, हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। अभी बीमारी थोड़ी कम हुई है, इंजेक्शन वगैरह कोशिश लगी है, उससे थोड़ा डर कम हुआ और उसके बारे में भी आज हमने यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया था। मैं स्वागत समारोह ये किया है और कुछ विकास कार्यों को लेकर चर्चा की है, जो भी उनके यहाँ पे जो समस्याएं हैं, जो काम पिछले कार्यकाल में नहीं हो पाए, जो रुके हुए हैं, उनको लेकर उन्होंने विधायक जी के संज्ञान में डाला है। और विधायक जी के ऑलरेडी, जैसे विधायक जी यहाँ के नागरिक हैं, उन्होंने कहा है विधायक जी यहाँ के वैशाली के बच्चे हैं, बेटे हैं, तो विधायक जी की नॉलेज में वो सारे काम पहले से ही हैं और विधायक जी उन कामों को लेकर आगे बढ़। बता दें, विनय मिश्रा के विधायक बनते ही कोरोना महामारी ने दुनिया में पैर पसार लिए थे, जिसके चलते क्षेत्रवासी सामूहिक रूप से अपने विधायक का स्वागत नहीं कर पाए थे। लिहाजा अब जैसा कि देश में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, तो क्षेत्रवासियों ने सामूहिक रूप से अपने विधायक का स्वागत किया है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।